हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा गुप्ता। वेलकम यू ऑल इन योर स्टडी गुरु एंड कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड हाउ टू वर्क पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट डिजिटाइजर। सो लेट्स स्टार्ट। डिजिटाइजर होता क्या है? सबसे पहले हमें डिजिटाइजर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस है, जिसका थर्ड जो पार्ट है वो डिजिटाइजर है। इसमें ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस कवर करने वाले हैं। एंड इसके अंदर हम देखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटाइजर। इनपुट डिवाइसेज दैट सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर एंड अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट सिंपली। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेज एंड इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेज। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट इज डजेंट नीड टू कन्वर्ट इन इंटरमीडिएट कोड। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेज के अंदर हम डायरेक्टली किसी भी इनपुट डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट का जो इफेक्ट होगा वो सिंपली डायरेक्ट होगा। आपको उसमें कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे माउस है, माउस से आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको माउस क्लिक आपको शो होगा, या फिर जो भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वो वहाँ पर आपको परफॉर्म होने लगेगा, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैमरा, जैसे ही आप इमेज कैप्चर करते हैं आपको शो होगा, जैसे ही आप देखते हैं इनपुट आपका हो चुका है कंप्लीट, तो आपको आउटपुट भी सेम टाइम पे शो हो जाएगा। कीबोर्ड, जब आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो सेम टाइम पे आप उसी की को इनपुट जैसे देते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग आपका जो टास्क है या फिर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइसेस में इनडायरेक्ट विच मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म। इसमें आपको मस्ट है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर कुछ डिवाइसेस हैं जो स्कैनिंग डिवाइसेस काम में आती हैं, जैसे BCR बारकोड रीडर होता है आपका, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OMR आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है जो आपके OMR सीट जो होती हैं उनके लिए यूज होता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो आपकी चेकबुक वगैरह होती हैं उनके लिए हम स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं, MIC इज़ अ इनडायरेक्ट एंड माइक सिंपली इनडायरेक्ट इज़ ट्रांसलेट सम एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इनटू द डेटा एंड टच स्क्रीन लाइट पेन हम सभी देखते हैं, सिंपली टच स्क्रीन लाइट पेन यूज़ होते हैं जो आपके स्टाइलिश वगैरह होते हैं, जिस पे आप एक स्क्रीन पे आप कोई भी ड्राइंग करना चाहते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली आपका शो हो रहा है जब आप उसको पर स्क्रीन पर शो उसको ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका इनपुट डिवाइसेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है कीबोर्ड, नेक्स्ट है आपका ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस, नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजर, डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्निशन बेस्ड डिवाइसेस एंड विजन बेस्ड डिवाइसेस। तो इनमें से हम लोगों ने कवर कर लिया है कीबोर्ड एंड ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस। नेक्स्ट हम आज देखने वाले हैं डिजिटाइजर। सो डिजिटाइजर, what is digitizer? Digitizer is a hardware device that receive analog information and such as sound or light and record it digitally. Next one is graphics tablet or digitizer, digitizing tablet, graphic pad, drawing tablet is a computer input devices that allow one to hand draw images and graphics similar to the way one draw the images with the pencil and paper. So simply, जो डिजिटाइजर और डिजिटाइजिंग टैबलेट्स, ग्राफिक्स पैड और ड्राइंग टैबलेट्स हैं वो सिंपली यूज़ आते हैं कि हम कोई भी हैंड ड्राइंग इमेजेस या फिर ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं और किसी भी पेन या पेंसिल से हम किसी पेपर पर ड्राइंग करते हैं उसी हिसाब से हम कंप्लीट एक डिजिटाइजर पर अपने पेन को यूज़ करते हुए कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो दीज टैबलेट मे ऑल्सो बी यूज टू कैप्चर द हैंड रिटन सिग्नेचर्स। हैंड रिटन सिग्नेचर, जैसे आपने कोई भी नेम लिखा, होप लिखा या फिर आपने हेलो लिखा, कोई भी चीज़ आपने लिखी, जैसे आप स्क्रीन पर लिखते हैं सिंपली हेलो, तो हेलो आपने लिखा तो हेलो आपका जो था सिंपली एक मैंने अभी फिंगर से टेप करके लिखा था, लेकिन आप पेन से जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रेस एन इमेज फ्रॉम द पीसेज ऑफ पेपर विच इज़ टैप्ड ऑन और अदरवाइज सिक्योर टू द सरफेस, ये सरफेस पर आपका ड्रॉ हो जाएगा।
capturing data in this way, either by tracing or entering the corners of linear poly lines और शेप्स इज कॉल्ड डिजिटाइजिंग. जो भी आप लाइन्स एंड जो भी ड्राइंग होगी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H, H में आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. जैसे आपके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स से मिलके आपका ये कंप्लीट H होता है. तो जो भी आपकी लाइन्स हैं, कर्व्स हैं, पॉइंट जो भी मिलके बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटाइजिंग. द डिजिटाइजर अपीयर विद अ टूल बार डिस्प्लेड एंटायरली और पार्शियली. द पर्पस a certain number of functions to operate image and change the display, draw lines, polygons, digitize a curve and take dimension on the three views plane. जो भी आपके views हैं आपके, उसके हिसाब से ये आपका complete create कर देगा. Next is important features when looking at digitizer are sensitivity and image resolution. So simply, this is digitizer image, this is pad, and यहाँ पर आपने कुछ भी एक word type किया hope, और ये आपके छोटे छोटे points हैं और ये आपकी screen पर show हो गया आपका simple. A graphic tablet or digitizer is used for fine work and drawing and image manipulation application. आप manipulate कर सकते हैं. A tablet is a computing device that is controlled with a finger or digital pen called stylus. इसी को हम stylus बोलते हैं. जो भी है digital pen और जो pen paper को replace कर रहा है एक तरह से, touch pad and pen. Thanks for watching and watch the next video to continue the classification of input devices, that is data scanning based devices. So we will meet in next video. Thank you.